हरदा में अंडर ब्रिज का लोकार्पण करने के लिए सांसद का रेलवे अधिकारियों को 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर सांसद के नहीं आने पर विधायक ने लोकार्पण किया। हरदा से मगरदा रोड पर 1,80,00,000 की लागत से बने अंडर ब्रिज का लोकार्पण हरदा बैतूल संसदीय क्षेत्र की सांसद ज्योति धुर्वे के हाथों होना था, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी सांसद वहां नहीं पहुंची तो हरदा विधायक कमल पटेल ने लोकार्पण किया। वैसे तो यह अंडर ब्रिज 2018 में बनकर तैयार हो गया था और जनता के लिए खोल भी दिया गया था, लेकिन आज फिर से इसे विधिवत जनता को समर्पित कर दिया गया है। अंडर ब्रिज के लोकार्पण के अवसर पर सांसद ज्योति धुर्वे के नहीं आने पर आम जनता में चर्चा का विषय बना रहा। सांसद के जाति प्रमाण पत्र के विषय में विधायक का कहना था कि सांसद का जाति प्रमाण पत्र सही है और उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली में लोकसभा चल रही है और शायद हो सकता है वो आने में लेट हो गई, लेकिन आज हमने इसका लोकार्पण किया है और ये खुशी की बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने 5 साल में करके दिखाया। अभी ये जो मौजूदा अभी हमें पता लगा समाचार पत्रों के माध्यम से, अगर उनके जाति प्रमाण पत्र को अभी तक तो पहले तो कोर्ट ने भी माना था और शासन ने माना था, लेकिन अगर उनका निरस्त किया गया तो उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जा रही है। माननीय ज्योति धुर्वे जी हाईकोर्ट जाएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वहाँ से उनको न्याय मिलेगा। तो क्या वो आदिवासी हैं? आदिवासी है, भाजपा उन पर दाव लगाएगी दोबारा? नहीं, वो तो देखिए पार्टी का निर्णय है, ये हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हमारा उम्मीदवार तो तय है कमल। माननीय जो सांसद महोदय है वो यहाँ जो अंडर ब्रिज का उद्घाटन कर रही है, सर इसका निर्माण कितने की लागत से होता है, कब शुरू किया गया था पब्लिक के लिए? इसकी कार्य की लागत लगभग 1.8 करोड़ रुपीज़ है और 2017 में कार्य प्रारंभ किया था जो कि मार्च 2018 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। सर आज इसका जो उद्घाटन हो रहा है इतना लेट क्यों, क्या कारण रहा था? मुझे जो लगता है कि इलेक्शन और उससे पहले जो आचार संहिता थी वो और उसके पहले समय शायद नहीं दे पाए, क्योंकि बाकी कार्यों के भी उद्घाटन एटारसी और आसपास हमने काफ़ी करवाए थे, वही कोई वजह थी।